विषय यहाँ अब ये है कि हमारा जैसे परिवार में जन्म हो, दरिद्र परिवार में जन्म हो तो चलो दो चार साल लेट भी हो जाए संस्कार तो कोई बात नहीं है, पर होना चाहिए। पर किसी बुद्धिमान शरीर से बुद्धिमान परिवार में जन्म हो तो फिर मुझे लगता है बच्चों का यज्ञोपवीत और दीक्षा संस्कार समय पर होना चाहिए। अच्छा, दीक्षा नाम की जो बीमारी है ना, ये स्वतंत्र रख दिए समाज में, हिंदुओं में स्वतंत्र है, ये लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मतलब। पर ये प्रतिबंधित धर्म है दीक्षा। जब हम संस्कार पढ़ते हैं, यजुर्वेद पढ़ते हैं, भागवत के इतिहास देखते हैं, तो ये प्रतिबंधित धर्म है दीक्षा कर कार्यक्रम, ये स्वतंत्र नहीं है। पर हम भी स्वतंत्र ही कहते हैं, भाई देखो भालो फिर गुरु बनाओ, समझो सोचो फिर गुरु बनाओ, आज की परंपरा के हिसाब से। पर दीक्षा लेना स्वतंत्र कर्म नहीं है, ये परतंत्र कर्म अगर हो जाए पहले की तरह तो समाज में बिल्कुल भी बच्चा बिगड़ने वाला नहीं है। ये तो प्राचीन काल की कथाएं सुना रहे हैं हम लोग। बामन भगवान का अवतार सातवें मनमंत्र में हुआ, तो सातवें मनमंत्र का मतलब है त्रेता का प्रारंभ, सतयुग की समाप्ति के समय सातवां मनमंत्र आया। तब बामन भगवान आए तो उस समय मनुष्य का जो संस्कार है वो प्रतिबंधित है, यज्ञोपवीत धारण करना ही पड़ेगा, यज्ञोपवीत दीक्षा सिखा, ये लेने के बाद ही बच्चे को एडमिशन मिलता था पढ़ाई के लिए, क्योंकि पहले एक ही प्रकार की शिक्षा पद्धति है गुरुकुली वैदिक पद्धति। बाद में धीरे धीरे जब नाश हुआ सब चीजों का द्वापुर में, तो फिर पाठशाला बनी, पहले पाठशाला नहीं थी, गुरुकुल थे। जब विद्वानों का आचार्यों का नाश हो गया महाभारत काल में, बाद में संस्कृति बदलती चली गई, तो संस्कारों को बचाने के लिए क्या करें, तो पाठशाला। पाठशाला का मतलब होता है रटंतु, वेद को रट लो, मंत्र रट लो, पूजा रट लो, भागवत रट लो और कुछ मत करो, इसे पाठशाला बनी। फिर लोग पाठशालाओं में आज तक पढ़ रहे हैं। अब वो पाठशालाएं भी सभी लगभग घास शालाएं हो गई, अब उनमें भी कुछ नहीं बचा। अब यहाँ बच्चे स्वतंत्र हो गए, विद्यार्थी स्वतंत्र हो गए, दीक्षा स्वतंत्र हो गई, विद्यार्थी स्वतंत्र हैं। आप भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, आप किसी गुरुकुल में पढ़ो, पर बाध्यता खत्म हो गई है। और महर्षि मनु कहते हैं कि विद्यार्थी को तो सुखम, विद्यार्थी अगर सुख ढूंढता है तो वो कभी भी आचार्य विद्या कभी ग्रहण कर सकता नहीं है। विद्यार्थी को तो सुखम, विद्यार्थी को सुख है ही नहीं, सुखार्थी को तो विद्या, जिनको सुख है उनको विद्या नहीं आ सकती है। किताब के चार छह अक्षर वक्षर रट रटा लो, कोई डिग्री ले लो, बस इतना आएगा, विद्या नहीं आएगी। अगर विद्या आई तो गीता फेल हो जाएगी, मनु फेल हो जाएंगे, फिर तो कोई मानेगा ही नहीं मनु जी की बात को। वैसे ही दंगल चल रहा है मनु की बात पर दुनिया भर का, और हम और तुम और नहीं माने तो सारा खेल खराब हो जाएगा। मैंने 30 साल बताए भविष्यवाणी तुम्हारा नष्ट होने का, पर मुझे लगता है फिर और जल्दी हो जाएंगे नष्ट। इसीलिए मानव सभ्यता में उच्च और निच ये बुद्धि से गिना जाता है, जाति से नहीं। ऊंच आदमी कौन है, जिसमें बुद्धि का विकास अच्छा हो, चरित्र का विकास हो। तो ऐसे परिवार में जो बच्चा पैदा हो उसका तो प्रतिबंधित दीक्षा होनी चाहिए, उसका सरस्वती विद्या सारंभ। 16 संस्कारों में विद्या आरंभ संस्कार भी है महाराज, पर दीक्षा स्वतंत्र हो गई है। मैं कहता हूं यहाँ लोग कथा सीख के गए वृंदावन से, ब्राह्मण लोग बच्चे कथा सीख के गए, कथा कर भी रहे हैं, पर अभी तक गुरु बनाया नहीं, दीक्षा ली नहीं है, कथा कर रहे हैं, कथा सीख के भी चले गए। जो कथा सिखाते हैं उनको दीक्षा देनी नहीं है, उनकी मजबूरी, कोई नहीं ले रहा है तो कैसे देगा कोई। पर मैं आप सबको एक बार फिर कहना चाहता हूँ, अपने अपने बच्चों को दीक्षा मजबूरी कर दोगे आप तो आप भला पाओगे, बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा, बच्चों की जवानी अच्छी जाएगी, इतना प्रभाव रहता है इस संसार का, संस्कारों का है? आप लोहे की ग्रिल लगवा लो घर में, लोहे की ग्रिल और एक ग्रिल स्टील की लगवा लो, दोनों में फर्क रहेगा। लोहे की ग्रिल अगर आपके छजली पे लगी है तो देखते 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 काई खा जाएगी उसको, और धीरे धीरे उसको गलना शुरू हो जाता है
और वही लोहा स्टील में कन्वर्ट हो जाए, जब आप स्टील की पॉलिश मारकर ग्रिल लगाते हैं तो कितने वर्षों तक उसका विकास होता है, उन्नति होती है, नाश नहीं होता। तो ऐसे ही बात वही है, पर बस बच्चे को मजबूरन दीक्षा और शिक्षा में मजबूरन कर दीजिए, आपका बच्चा स्टील हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा, फिर उसे काई नहीं पकड़ेगी, चाहे जितनी वर्षा होती रहे, चाहे जितनी हवा में रहे, काई पकड़ेगी नहीं उसको। पर बच्चे स्वतंत्र हो गए, तुम स्वतंत्र है, मम्मी दीक्षित नहीं, पापा दीक्षित नहीं। बच्चे बड़े बड़े हो गए, कॉलेज में जा रहे हैं, मम्मी पापा अभी भी गुरु नहीं बना रहे क्योंकि उन्हें गुरु मिल ही नहीं रहा। अच्छा, अरे कितना गुरु अच्छा अच्छा, तुम कितने अच्छे हो जाना, तुम शीशा में मुंह देख के आओ, आंख बंद करके अपने बारे में दो मिनट सोचो तो सही, तुम कितने अच्छे हो। इसलिए ज्यादा 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 टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। प्रतिदिन दीक्षा मापनोती, दीक्षा मापनोती दक्षिणाम। परमात्मा श्री नारायण मनुष्य बनकर आए, ब्राह्मण कुल में अवतार लेकर आए, तो 7 वर्ष में ही परमात्मा का दीक्षा आरंभ हुआ। बृहस्पति गुरु जी ने दीक्षा दी, यज्ञोपवीत पहनाया और गायत्री मंत्र दिया।